हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन क्रियोल्स के बारे में बात कर रहे थे, लैंग्वेज वैरायटी डायलेक्ट्स के बारे में हो गया था। क्रियोल्स में अपन कुछ एग्जांपल कर लिए थे। अब देखिए क्रियोल्स क्या होती है। ए क्रियोल इज अ ब्लेंड टू अराइज व्हेन ए पिजिंस, यानी इसका अराइज किससे होता है, पिजिंस से अराइज हो सकता है, इसको बोल सकते हैं। यानी एक क्रियोल को विश्वास किया जाता है टू अराइज व्हेन द ए पिजिन, जहां पे पिजिन का विकास होता है वहां क्रियोल पहले ऑटोमेटिक विकसित हो जाती है, डेवलपर बाय एडल्ट, और इसका विकास किया जाता है एडल्ट के द्वारा बाय यूज एंड द सेकंड लैंग्वेज। यानी सेकंड लैंग्वेज में अपन कह सकते हैं कि सेकंड लैंग्वेज में पिजिन का यूज किया जाता है, और इसे किसके माध्यम से लिया जाता है, एडल्ट के माध्यम से किया जाता है। बिकेम्स द नेटिव एंड प्राइमरी बिकेम, और ये किससे बनती है, नेटिव यानी नेटिव नेटिव से होती है, और प्राइमरी लैंग्वेज यानी बच्चे की जो क्रियोल्स होती है, नेटिव लैंग्वेज जिसे कहते हैं क्रियोल्स लैंग्वेज को, जो प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ देयर चिल्ड्रन, उन बच्चों की मातृभाषा यानी प्राथमिक भाषा से ही विकास बच्चों का क्रियोल से पिजिन का विकास होता है। ए प्रोसेस कॉल्ड नोन एज द नेटिवाइजेशन, इसको अपन कह सकते हैं नेटिवाइजेशन का एक तरीका है। द पिजिन क्रियोल्स लाइक कैरेक्टर्स वर स्टडी बाय द हाल इन द हाल, मतलब ये हाल के माध्यम से इसको 1960 में दिया गया था, इसका क्रियोल्स एंड क्रियोल्स क्या नाम की पिजिन्स और क्रियोल का चक्कर किसके माध्यम से अध्ययन किया गया था, हाल के माध्यम से, कब किया गया था, 1960 ईस्वी में। अब देखिए क्रियोल्स में, क्रियोल्स शेयर द मोर ग्रामेटिकली सिमिलरिटी विद ईच अदर, इसमें क्या होता है, क्रियोल्स में ईच एक दूसरे से ग्रामेटिकल सिमिलरिटी के माध्यम से इसमें शेयर किया जाता है, तो वो भाषा कौन सी होती है, आपकी क्रियोल्स होती है, लैंग्वेज नहीं होती है, यानी पिजिन नहीं होती, कौन सी होती है, क्रियोल्स। क्रियोल्स हैव द इवन द इवन बीन द ग्रांटेड ग्रांटेड एंड द स्वीकृति, ग्रांटेड क्या होती है, स्वीकृति, क्रियोल्स इसमें स्वीकृति दे दी जाती है किससे, स्टेटस ऑफ द ऑफिशियल, स्टेटस ऑफ द ऑफिशियल एंड डेमी सेमी ऑफिशियल एंड डेमी, देखो स्टेटस ऑफिशियल एंड सेमी ऑफिशियल लैंग्वेज, जो ये कौन सी भाषा में आता है, क्रियोल्स में इसका अध्ययन किया जाता है। क्रियोल्स फॉर्मेशन इज द यूनिवर्सल फेनोमेनिया, यानी क्रियोल्स क्या है, एक यूनिवर्सल फेनोमेनिया है, यानी सभी जगह फैलने वाली है, इज नॉट लिमिटेड टू द, ये लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है यूरोपियन कॉलोनिया, यानी यूरोपियन कॉलोनिया में इसका लिमिटेड नहीं है, जबकि क्या है, ये क्रियोल्स यूनिवर्सल फेनोमेनिया है। एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, और ये भाषा का महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है, किसको, क्रियोल्स को। अब देखिए इसका ओरिजिन क्या हुआ है, ओरिजिन इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, द इंग्लिश कम्स क्रियोल्स कम्स फ्रॉम द फ्रेंच, जो अंग्रेजी में क्रियोल्स, जो अंग्रेजी में भाषा है, अंग्रेजी में क्रियोल्स का अर्थ है, ये फ्रेंच क्रियोल से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच क्रियोल से लिया गया है, विच जो कि टू इज कोवेनेंट, जो हमको ज्ञान करवाता है या पहचान करवाता है, संज्ञान करवाता है विद द स्पेनिश, स्पेनिश वर्ड है विद द क्रियोल्स, किससे करवाता है, क्रियोल से करवाता है, एंड पोर्ट्रेस क्रियोल्स, ये दो वर्ड है जिससे हमको क्रियोल्स की स्पेनिश के बारे में जानकारी या संज्ञान करवाता है। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट इसके बाद में लेते हैं, तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो, ओके।